नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टूडेंट्स लाइफ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं रेलवे एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जिसमें हम सब इतिहास से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न, बंगाल का विभाजन किस विचार से किया गया था? उत्तर है, पश्चिम तथा पूर्वी बंगाल के हिंदुओं को विभाजित करने तथा हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव को बढ़ाने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? उत्तर है 1911 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, किसने बंगाल विभाजन को निरस्त किया? उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग। आपका अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग। आपका अगला प्रश्न है, सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की बंबई यात्रा को यादगार बनाने के लिए कौन सा स्मारक बनवाया गया था? उत्तर है गेटवे ऑफ इंडिया। आपका अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? उत्तर है लॉर्ड जेम्स फोर्ड। आपका अगला प्रश्न, किस वायसराय के काल में रॉलेट एक्ट पास किया गया था? उत्तर है लॉर्ड जेम्स फोर्ड। आपका अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? उत्तर है जनरल ओ डायर। आपका अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930 किसके कार्यकाल में हुई थी? उत्तर है लॉर्ड इरविन। आपका अगला प्रश्न, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? उत्तर है लॉर्ड माउंट बेटन। आपका अगला प्रश्न, कौन पहला और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल जो लॉर्ड माउंटबेटन का उत्तराधिकारी था? उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। आपका अगला प्रश्न, मानव बलि प्रथा पर रोक लगाने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किस जनजाति ने विद्रोह किया? उत्तर है खोंड। आपका अगला प्रश्न, कूका विद्रोह से कौन जुड़े थे? उत्तर है भगत जवाहरमल। आपका अगला प्रश्न, सबसे कम समय तक कौन सा विद्रोह चला? उत्तर है चुआर विद्रोह। आपका अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा कौन था? उत्तर है मुंडा बगावत का सरदार। आपका अगला प्रश्न, मुंडा विद्रोह का उद्देश्य क्या था? उत्तर है सभी बाहर बालों को हटाकर मुंडा राज स्थापित करना। आपका अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में छोटा नागपुर की मुंडा जाति द्वारा दिकू किसे कहा जाता था? उत्तर है जनजातीय व्यवस्था से बाहर के व्यक्ति।
आपका अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? उत्तर है 1857 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह था? उत्तर है सैन्य विद्रोह। आपका अगला प्रश्न, सेना विद्रोह जो 1857 की बगावत में तब्दील हो गया कहाँ प्रारंभ हुआ? उत्तर है मेरठ। आपका अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? उत्तर है हिंदू मुस्लिम एकता। आपका अगला प्रश्न, 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? उत्तर है सैनिकों को चर्बी लगे कारतूसों को की आपूर्ति। ठीक है, सैनिकों को चर्बी लगे कारतूसों की आपूर्ति। आपका अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारतीय राजाओं और कुलीनों में असंतोष का कारण था? उत्तर है उनके अधिकार और सुविधाओं में अनुचित कटौती। आपका अगला प्रश्न, 1857 के गदर के समय भारतीय किसानों के असंतुष्ट होने का क्या कारण था? उत्तर है उच्च कर एवं राजस्व वसूली को कठोर तरीके से। आपका अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना है, फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लेकर यदि आप किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आप हमें दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय।